सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी और पलामू सांसद बीडी राम। आइए बात करते हैं बीडी राम साहब से। भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन से इतनी भयभीत क्यों? ये किसने आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन से भयभीत है? भयभीत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। महागठबंधन बने न बने उसका कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नियत है और हमारी नियत साफ है, हमारे निर्णय साफ है। और इतना ज्यादा देश का विकास इन 5 वर्षों में हुआ है कि हमें किसी प्रकार के किसी गठबंधन की कोई चिंता नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, महागठबंधन वाले ही बता रहे हैं कि भयभीत होकर के गिरिडीह जैसे सीट जहाँ से 5 बार आपके सांसद रहे उस सीट को आप लोगों ने सहयोगी को दे दिया। दूसरी तरफ देख ले बिहार में 22 सीटें थी, वहां भी आपने 3-4 सांसदों को ड्रॉप कर दिया और अपने सहयोगी पार्टी को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ सहयोगी दल सम्मिलित तो निश्चित रूप से सहयोगी दलों अभी समर्थन मिलना चाहिए, सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी को भी सहयोग करना चाहिए। ये किसी भय के चलते कि पार्टी चुनाव हार जाएगी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान करती है और वार्ता के अनुरूप जो दिशा जो तय होता है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का। झारखंड भाजपा में 12 सांसद थे, 11 हो गए, अभी आप लोगों का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट 14 का है, 14 सीट जीतना है, यही हमारा टारगेट है, हमारा प्रयास भी है। सुनने में आ रहा है कुछ नए चेहरे भी आएंगे, ये तो पार्टी हाईकमांड के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है कि इसको पार्टी का टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। आप अपने सांसद काल से कितने संतुष्ट हैं, कितने काम कर पाए और क्या करने की योजना थी, कितने पहुंच पाया? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। एक ही कार्य नहीं हो पाया, जो जपला सीमेंट फैक्ट्री को खुलवाना था वो जपला सीमेंट फैक्ट्री कतिपय कारणों से नहीं खुल सकी। बाकी जो जनता की मांग थी उस मांग में अधिकांश मांगों की मैंने पूरी। क्या मलाल सिर्फ जपला ही है या विकास के और कुछ? देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है कि जितना विकास होना चाहिए आज पूर्ण रूप में विकास हो गया है। लेकिन 5 सालों के अंतर्गत जितना काम हुआ है उसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी संतोष महसूस करेंगे कि बेहतर सड़कें बनी है, बिजली जो करीब करीब 18,000 गाँव में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उसमें बिजली नहीं गई थी, बिजली की आपूर्ति नहीं हुई थी। आज सरबत जैसे पहाड़ पर जो गढ़वा जिला के अंतर्गत पड़ता है बिजली पहुंचाई गई है और वहां के लोगों की खुशी का अंदाजा इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि एक समाचार पत्र में छपा कि आजादी के बाद पहली बार वहां के लोगों ने बिजली देखी। तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, विकास के जो भी आयाम है उनको छूने का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के। मेरा प्रश्न ये रहा कि आप एक अधिकारी रहे उसके बाद आए राजनीति में, तो अधिकारी रहते हुए बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती होंगी कि मैं अगर ये रहता तो इसको ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता, वो पहुंच आप पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? देखिए मुझे अधिकारियों का भी पूर्ण रूपेण सहयोग मिला है, कार्यकर्ताओं का भी पूर्ण रूपेण सहयोग मिला है, जनता का भी पूर्ण रूपेण सहयोग मिला है और सबके सहयोग से ही किसी चीज की प्राप्ति होती है। कोई एक व्यक्ति चाहे कि हम दजहरा कॉलेज खुलवा दें या कोई बड़ा काम कर ले, बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग के, बिना जनता के सहयोग के, बिना प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग के तो ऐसा संभव नहीं है। तो कोऑपरेशन पूरा मिला, बिल्कुल 100% कोऑपरेशन मिला। और मैं फिर पूछना चाहूंगा कि अपने कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं, परसेंटेज में बताइए तो ज्यादा खुशी होगी। जपला सीमेंट फैक्ट्री को छोड़ने तो 95%। तो ये थे हमारे साथ बीडी राम जी जो अपने कार्य से 95% खुश है और अगले चुनाव के लिए भी हम लोग इनको बधाई देते हैं कि अगले चुनाव में भी आप आए और आगे की सेवा करें जनता का। धन्यवाद।